हेलो फ्रेंड्स, किरिंदा नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ईजीएस्ट डिज़ाइन। इसे आराम से आप डाल सकते हो और ये डिज़ाइन आप कोट पे, जीन्स के साथ पहने जाने वाले टॉप पे, स्कार्फ पे, जैकेट पे और बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है। तो चलिए इसको हम डाल के देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए ली है मैंने मोटी वूल और ये 9 नंबर की सिलाई। मोटी वूल पे ये डिज़ाइन बहुत सुंदर उभर के आता है, इसलिए मैंने इसमें मोटी वूल का यूज़ किया है। और जो ये नीडल्स हैं ये पोनी की हैं। अगर आपको मार्केट में ये उपलब्ध नहीं होती हैं तो आप अमेजोन से ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप उस लिंक से जाइए और आराम से इन नीडल्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। मैंने लिए इस डिज़ाइन के लिए 21 फंदे। ये डिज़ाइन 2-2 के मल्टीपल्स में चलता है और आप 2-2 के मल्टीपल्स करके +1 कर लेंगे तो आपके प्रोजेक्ट पे ये डिज़ाइन आराम से सेटल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये इसकी रॉन्ग साइड है तो हम इसकी बेसिक रो डाल लेते हैं। और ये डिज़ाइन जो है ये राइट साइड से शुरू होता है, तो चलिए इसकी हम एक बेसिक रो डालते हैं। रॉन्ग साइड है बेसिक रो, इसको हम सारा उल्टा बुन के ही कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिलाई जो है ये मेरे पास पोनी की है और ये एक सिंपल सिलाई है, ये भी 9 नंबर की है। अब देखिए आप इनमें कितना फ़र्क है आपस में। ये सिलाइयाँ मैंने थोड़ी देर पहले ली थी, देखिए ये सारी ख़राब हो गई इसका पेंट वगैरह, और ये अभी तक वैसी की वैसी है, इनकी ये नोक भी वैसी की वैसी है। ये सिलाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं और बहुत देर तक ये आपका काम चलाती हैं, तो इसको हम उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बेसिक रो कंप्लीट कर ली हमने रॉन्ग साइड की। राइट साइड में हम राइट साइड है इसकी फर्स्ट रो है और यहीं से आपका डिज़ाइन जो है ये स्टार्ट होगा। देखिए पहला फंदा आप सीधा बुनोगे, फिर धागा आगे लाएंगे और 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। देखिए ऐसे 2 फंदे उल्टे बुन के 1 फंदा बनाएंगे, फिर वैसे ही 2 फंदे उल्टे बुन के इकट्ठे 1 फंदा करेंगे, 2 फंदे इकट्ठे बुन के 1 फंदा करेंगे। देखिए ये पहला फंदा आपको सीधा बुनना है, 2 का 1 2 का 1 2 का 1। सारी सिलाई जितने भी फंदे आपके पास हों आप सारे वैसे ही करेंगे 2 का 1। देखिए 2 फंदों का 1 फंदा, 2 फंदों का 1 फंदा, 2 फंदों का 1 फंदा। जितने फंदे हों आपके पास आपको ऐसे ही ये रो बुननी है। देखिए 2 फंदों का 1 फंदा उल्टा बुन के करेंगे और लास्ट में आपके पास 2 फंदे आएंगे ये, और इसको हम सीधा बुन लेंगे। देखिए इन 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। रो नंबर 2 में है रॉन्ग साइड में। ये रो भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें भी डिज़ाइन आएगा पर बहुत ही इजी। आप जब बुनोगे बहुत ही इजी लगेगा, देखना। ये 1 फंदा उल्टा डाल लेंगे, दूसरा फंदा भी उल्टा डालेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। देखिए ऐसे आपको ऐसे ही बुनना है जैसे मैंने आपको बताया है। 2 जो सीधे हमने उधर रखे हैं, इधर से 2 उल्टे बुन लेंगे, फिर हम देखिए सिलाई पर से ऐसे धागा घुमाएंगे और फंदा नेक्स्ट उल्टा बुनेंगे जो हमने 2 का 1 किया। देखिए इसमें आप बढ़ाओगे बाद में फंदे, 2 आप उल्टे बुन के फिर धागा घुमाएंगे सिलाई पे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा घुमाएंगे, 1 फंदा उल्टा। आप ये इस सिलाई पूरी देखना अच्छी तरह से, इसमें आपका
डिज़ाइन गलत हो सकता है, तो जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही करना है। दो फंदे उल्टे बुन के एक फंदा सिलाई पर से घुमाने हैं, फिर एक फंदा उल्टा सिलाई पर से घुमाना, एक फंदा उल्टा सिलाई पर से घुमाएंगे धागा। ये रो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें गलती होने की पूरी संभावना है। देखिए धागा घुमाएंगे एक फंदा उल्टा, धागा घुमाएंगे एक फंदा उल्टा, बहुत ही इजीएस्ट डिज़ाइन। धागा घुमाएंगे एक फंदा उल्टा, धागा घुमाएंगे एक फंदा उल्टा, धागा घुमाएंगे एक फंदा उल्टा, धागा घुमाएंगे एक फंदा उल्टा। देखिए यहाँ से हमने दो फंदे घटाने शुरू किए थे, एक सीधा बुना था फिर दो फंदे घटाने शुरू किए थे, यहाँ तक हम धागा घुमा के लास्ट का एक फंदा ये जो उल्टा बुन लेंगे। इसमें हम धागा ऐसे नहीं घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर आपने धागा घुमाया तो एक फंदा बढ़ जाएगा, हर बार एक एक फंदा बढ़ता रहेगा। तो इसके बाद हम ये वाला फंदा जो है ऐसे ही बुनेंगे। देखिए इस रो का आपको बहुत ध्यान रखना है, और इसके बाद आपको एक बार अपने फंदे भी काउंट करने हैं कि घट तो नहीं गए हैं या बढ़ तो नहीं गए हैं इसमें, ये बहुत इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन आना शुरू हो गया है। अब थर्ड रो में हैं हम, राइट साइड में। ये रो हम सारी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए इसको पूरा का पूरा सीधा बुनेंगे, टू रोज इसमें आएंगी बीच में गैप देने के लिए। देखिए इसको आपको ऐसे ही बुनते जाना है। ये बिगनर लोग भी बहुत आराम से डिज़ाइन डाल लेंगे और अपने स्वेटर को इतना सुंदर बना लेंगे कि सब इसको देखते रह जाएंगे कि ये कैसे डाल लिया इतना सुंदर डिज़ाइन, और इतना मुश्किल, देखने में बहुत मुश्किल लगेगा बट बुनने में ये बहुत ही इजी रहेगा। देखिए इसको आपको ऐसे सीधा बुन के कंप्लीट करना है। ये थर्ड रो है राइट साइड इसकी, इसको आपको सीधा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए ऐसे। फोर्थ रो में हम रॉन्ग साइड में, फोर्थ रो रॉन्ग साइड की जो है ये उल्टी बुन के ही कंप्लीट करनी है हमें। मैंने आपको जैसे बताया थर्ड और फोर्थ रो जो है वो सीधी और उल्टी आएगी गैप देने के लिए। इसमें आपको वन और टू जैसे रो हैं उसमें ही आपको डिज़ाइन डालना है, और बहुत ही इजी, और स्वेटर इतना सुंदर लगेगा कि सब लोग देख के हैरान होंगे कि कैसे डिज़ाइन डाला है ये, और आपको बुनने में ये डिज़ाइन बहुत ही ईजीएस्ट रहेगा। आप अपने इसको कार्डिगन पे भी डाल सकते हैं, थोड़ी मोटी वूल लें जैसे मैंने ये मोटी वूल ली है और 9 नंबर की सिलाई पे बुना है, आप भी इसको 9 नंबर की सिलाई में बुने और मोटी वूल से बुने। देखिए ऐसे ये फोर्थ रो भी हमने कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। देखिए ये उल्टी साइड से आपको ऐसा दिखेगा, उल्टी साइड से भी बहुत ही सुंदर दिखता है ये। देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन आ गया है, ये 4 रोज़ का ही डिज़ाइन है। आप 4 रोज़ को रिपीट करते जाएंगे तो आपका ये डिज़ाइन आता जाएगा। अब ये वाली रोज जो है रो नंबर 1 आप यहाँ पे रिपीट करेंगे। और फ्रेंड्स ये डिज़ाइन हर कलर पे अच्छा लगता है। लोग मेरे से ब्लैक कलर के लिए पूछते हैं कि ब्लैक कलर के में डालने के लिए कोई डिज़ाइन बताइए, तो फ्रेंड्स ये ब्लैक कलर पे इतना सुंदर लगता है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे, बहुत बढ़िया लगेगा, उभर के आता है ये डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। आप ये 4 रोज़ इसकी रिपीट करते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के तैयार होता जाएगा। मैं पहले वाला भी डिज़ाइन आपको दिखाती हूँ, देखिए वैसा ही आपको
देखिए फ्रेंड्स, वैसा बिल्कुल डिज़ाइन बन के तैयार है। आप किसी भी कलर पे इसको डालिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगेगा। आप भी इसका कार्डिगन बनाइए, स्कार्फ बनाइए, कोट बनाइए, बहुत बढ़िया लगेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।